आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 5 बज रहे हैं यानी वक्त हो गया है सीधा सवाल का। आज हम ये सोचकर एडिटोरियल मीटिंग में गए थे कि राम हनुमान हिंदू मुसलमान बहुत हो गया, कुछ और मुद्दों पर भी बहस होनी चाहिए, लेकिन फिर एसएचओ साहब का सेक्टर 58 पंकज राय, उनका एक खत आता है और वो खत मेरे सामने है। इस खत में धार्मिक काम या धार्मिक रीति रिवाज सार्वजनिक जगह पर नहीं करने का जिक्र है, लेकिन बहुत सारी लाइनों में खुले तौर पर नमाज का, मुस्लिम कर्मचारियों का, दोबारा नमाज का जिक्र किया गया है। तो चर्चा होनी थी। अगर किसी पार्क में कुछ मुसलमान एक साथ नमाज पढ़ रहे होंगे या इबादत कर रहे होंगे तो क्या इससे देश का माहौल खराब होगा? क्या चुनाव का सीजन है इसलिए नमाज पढ़ना सियासी बात है? ऐसे कुछ सवाल आज उठे हैं क्योंकि नोएडा की पुलिस ने एक फरमान निकाला है और फरमान कुछ बड़ी कंपनियों के लिए है। फरमान ये कहता है कि कंपनियां अपने मुस्लिम कर्मचारियों से कहे कि वो पार्क में या खुली जगह पर नमाज पढ़ने से मना करे अपने कर्मचारियों को। कर्मचारी में मुस्लिम पहले जोड़ा गया है, अगर मुस्लिम कर्मचारी ऐसा करेंगे तो माहौल बिगड़ेगा। ये फरमान निकला है नोएडा में, जो बीजेपी शासित यूपी का एक मॉडर्न शहर है। ऐसा ही एक किस्सा हरियाणा के गुरुग्राम में भी हुआ था। खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई थी। हरियाणा में भी सरकार बीजेपी की है। सवाल तो उठेगा ही कि क्या बीजेपी खुले में नमाज पर रोक का समर्थन करती है, लेकिन प्लीज आपको ये बात आगे हम समझाएंगे कि क्यों इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जा रहा है। भाई कानूनी प्रक्रिया है, कुछ लोगों ने शिकायत की, उसके बाद परमिशन लेने की बात कही गई इन मुसलमान लोगों की तरफ से या जो वहां पर नमाज अदा करने के लिए जाते थे, और परमिशन नहीं दी गई थी, तो इतना हंगामा क्यों? इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ है। सीधा सवाल, नमाज से या इबादत से खुले में क्या माहौल खराब होता है? पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद 5 बहुत महत्वपूर्ण सवाल और खास मेहमानों से आपका तारुफ। नोएडा में खुले में नमाज मना है। 58 सेक्टर में जो अथॉरिटी का पार्क है, जिसके संबंध में कुछ व्यक्तियों के द्वारा वहां पर धार्मिक प्रेयर्स के लिए परमिशन मांगी गई थी, जिसकी परमिशन सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से अभी तक नहीं दी गई थी। उसके बावजूद काफी भारी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठे हुए, जिसके बारे में उनको अवगत करवाया गया कि किसी प्रकार की परमिशन अभी तक नहीं हुई है, और यही सूचना संबंधित कंपनियों को दी गई थी। इसी यह सूचना किसी धर्म विशेष के लिए ना होकर के सभी व्यक्तियों के लिए है, और आप सभी से उम्मीद की जाती है कि गौतम नगर पुलिस का सौहार्द और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग। नमाज पर पुलिस की पहरेदारी पर उठे सवाल। इतना ही कहूंगा कि जब से योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका उन्होंने इस प्रदेश में अशांति का वातावरण पैदा किया है, और ये तो केवल एक उदाहरण है। अगर पुलिस धार्मिक काम करने लगे तो धर्म के लोग क्या काम करेंगे? पुलिस को चाहिए कि वो हिंदू मुस्लिम इन सब डिस्प्यूट में ना पड़ते हुए उत्तर प्रदेश के नागरिकों की रक्षा के काम, उत्तर प्रदेश की बेटियों की हिफाजत करें। मंदिर मस्जिद पूजा पाठ कौन कैसे करेगा, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का विषय नहीं है। पुराने समाजवादी अमर सिंह का समाजवादी पार्टी को जवाब। शिवरात्रि और रामचरित मानस हम बजाय मुसलमानों की बाइक को तो फिर बड़ी मुसीबत है, और खासतौर से अगर समाजवादी पार्टी की सरकार है तो हम कीर्तन कर ही नहीं सकते, और समाज के अजान हमको पढ़ना पड़ेगा। बीजेपी की सफाई चिट्ठी का धर्म विशेष से नहीं है सरोकार। खुले में नमाज पर रोक को बीजेपी का है समर्थन। अगर शासन ने ये निकाला है तो जो भी देश के नागरिक हैं नमाज पढ़े, उचित स्थान पे जाके पढ़े, लेकिन अगर कानून को तोड़ते हैं तो माहौल को खराब करने का काम करेंगे। देखिए, सड़क के किनारे बैठकर नमाज तब पढ़ सकते हैं, कोई मस्जिद नहीं है तो ये तो जानबूझकर करना, तो निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए, उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए, कंपनी पर क्यों एक्शन लेना चाहिए, उस व्यक्ति पर भी लेना। क्या खुले में इबादत से बिगड़ेगा माहौल? बहुत सीधा सा सवाल है।
क्या इबादत के नाम पर माहौल बिगाड़ा जा रहा है, और अगर माहौल बिगाड़ा है तो कौन बिगाड़ा है? ये सबसे पहला सवाल है, इबादत के नाम पर माहौल कौन बिगाड़ रहा है। दूसरा बड़ा सवाल, जगह पर रोक से, बहुत कायदे से सुनिएगा, जगह पर रोक से या पार्क में नमाज ना पढ़ने देने से धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट कैसे हो जाती है? कानून व्यवस्था में हिंदू मुसलमान से फायदा किसको होगा? सार्वजनिक जगह पर नमाज या पूजा पाठ अतिक्रमण क्यों ना कहा जाए साहब? और धर्म के नाम पर कब्जा करने वाली सोच से छुटकारा हमें कब मिलेगा? ये वो सारे महत्वपूर्ण सवाल है जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है वसीम रिजवी, जो कि यूपी शिया वक्फ बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है वसीम रिजवी साहब आपका। एच एस रावत साहब हिंदू धर्म गुरु है यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ है। हमारे साथ चंद्रमोहन साहब है यूपी बीजेपी के प्रवक्ता और सुबह से इस पूरे मसले पर बयान भी दे रहे हैं। चंद्रमोहन आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। असद फलाही साहब मुस्लिम एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। असद साहब, सायरा शाह हलीम हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और आप इनको मॉडर्न इस्लाम को प्रैक्टिस करने वाली सायरा शाह हलीम भी कह सकते हैं। सायरा बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। तस्लीम रहमानी साहब भी मुस्लिम एक्सपर्ट हैं और इतनी किताबें और इतने इस्लाम को अच्छे से पढ़ लिख चुके हैं कि वो इस पूरे मसले पर आपको एक इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू भी देने वाले हैं, वो आपको इसका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी देने वाले हैं, और वो आपको समझाएंगे कि क्यों इस पूरे के पूरे मसले में हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मोहन साहब, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि चूंकि बीजेपी की सरकार है सर, इसीलिए आपने मुसलमानों को निशाना बनाया। बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल जो अभी हर किसी मुसलमान के जहन में आ रहा है, भाई योगी जी है ना, वो तो चाहते ही नहीं है कि हम नमाज पढ़ें, वो तो चाहते हैं हम पूजा पाठ करें, इसीलिए ये बहाना है। ये जो सवाल है ना, ये सवाल जो लोग खड़ा कर रहे हैं, ये सामान्य लोग सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, ये सवाल जो लोग खड़ा कर रहे हैं वो राजनीति की भावना से प्रेरित होकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसमें योगी जी का निर्देश नहीं है, जो माननीय न्यायालय का निर्देश है उसका पालन किया गया है। कि माननीय न्यायालय ने क्या निर्देश दिया है, माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी स्थान पर कोई धार्मिक कार्यक्रम, व्यापारिक कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, अभी हमारी सरकार ने, अभी जब कांवड़ यात्रा का कार्यक्रम चल रहा था पूरे प्रदेश में, तो बरेली के अंदर कुछ कांवड़ यात्री एक नए मार्ग से जाना चाहते थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनको रोका और कहा के जो मार्ग निर्धारित है उसी से जाइए। हमारी सरकार में हम सबका साथ सबके विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं। योगी जी की सरकार में आज वजीफा बढ़ाने का काम होता है तो वो सबके लिए होता है, आज हम सामूहिक विवाह करते हैं तो वो सबके लिए होता है। आज योगी जी हैं सर, वो गोरखपीठ के हैं लेकिन वो कोई भेदभाव वाले नहीं है। भेदभाव वाले नहीं है, नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। और जब आपने कहा कि राजनीति से प्रेरित लोगों की जुबानी है तो नहीं है सर। मैं स्टूडियो में आने से पहले बहुत सारे मुसलमानों से और रैंडम कॉल किया है, मैंने मुसलमानों को रैंडम कॉल किया है और उनसे पूछा है, उनको तो खबर भी, कईयों को तो खबर नहीं पता है, उनसे मैंने पूछा कि बताइए आपका इसके इस पे क्या मत है। तो उन्होंने कहा ये तो वही योगी है ना जिन्होंने वो हम बजरंग बली वाले हैं, वो मौला अली वाले हैं बयान दिया था, इसीलिए लोगों को लग रहा है कि आप मुसलमानों के खिलाफ जो है कुछ साजिश यहां पर हो रही है, ये फीलिंग है उनकी। अब इसके ऊपर आप मुझे आगे थोड़ा सा और डिटेल दे दीजिएगा। बिल्कुल साज आज आज जी 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 दीजिएगा, आगे दीजिएगा। और मैं ना ओपनली सवाल कर रही हूँ सर कि किसी के जहन में इस तरह का कोई शक हो तो आज वो क्लैरिफाई। ठीक है, गुड इनफ चंद्रमोहन जी, वेरी गुड इनफ। फलाही साहब सुन लिया आपने, कांवड़ियों को रोका, अभी दिवाली गई सर, कितना टाइम हुआ जी? अक्टूबर हाँ, अभी तो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, तो सबको ये लगना चाहिए था कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो खतरे में आ गया है, हमें यहाँ हिंदुस्तान में चैन से रहने नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से हमारे त्योहारों पर बैन लगाया जा रहा है, रोक लगाया जा रहा है, वो भी ब्लैंकेट बैन। फलाही साहब देखिए, सबसे पहला बुनियादी सवाल ये है कि जब आप किसी भी फैसले को सामने, पर्टिकुलर एक धर्म विशेष को सामने रख के फैसला देंगे,
तब उस धर्म विशेष के लोगों को परेशानी होगी, उन्हें लगेगा कि हमारे साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे साथ जो है बाइसनेस किया जा रहा है। आपको मैं एक बताऊं कि अगर ये जो पत्र आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, उस पत्र के अंदर उन्होंने खास करके शुक्रवार की नमाज के ताल्लुक से रखा उन्होंने बात। आपको खबर पता है ना पूरी? पूरी पता है, तभी तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ। इस्लाम का उसूल, मैं जानना चाहती हूँ क्या खबर है भाई। उन्होंने कहा कि कंपनी वहाँ नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा, अनुमति लेनी पड़ेगी, अनुमति नहीं होगी। तो पहले की खबर क्या है पता है आपको? कौन सी खबर बताएं? उससे पहले की खबर सुन लीजिए आप। यही तो प्रॉब्लम है ना, आपने हेडलाइन देखी, उसके पीछे की खबर जानी नहीं भाई। पीछे की खबर यह है कि आसपास की कंपनियों के कुछ 500-600 मुस्लिम कर्मचारी हर जुमे को वहां पार्क में आते और नमाज पढ़ते थे। वो टाइम होता था जब कुछ बच्चे स्कूल से छूटकर आ रहे थे, महिलाएं वहां पार्क में टहलती, बैठती, हंसती, गाती, उनके लिए। वही तो बात घुमा रही है रूबिका जी, आप देखिए देखिए भाई साहब, आप फिर वही घुमा रही है। बात नमाज पे हो रही है ना, अब आपने मुझे कंप्लीट करने दी नहीं। सुनिए तो आप, मेरे घर के सामने पार्क है, मैं अपने बच्चे को पार्क में घुमाने ले जाना चाहती हूँ, लेकिन फलाई साहब आ गए हैं 10 लोगों के साथ, वहां पे कभी कीर्तन हो रहा है, कभी भजन हो रहा है, कभी नमाज हो रही है। अरे भाई, पार्क घूमने करने के लिए है ना। सबसे पहली बात समझिए आप प्रियंका, ओ रूबिका जी, कि इंडिया इज अ प्रो रिलीजन कंट्री, यहाँ पे धर्म को बहुत अहमियत दी जाती है, यहाँ पे हर तरह के लोग धर्म के जो है चीजों को सेलिब्रेट किया जाता है रोड के ऊपर, सड़कों के ऊपर। हमें हम पेंडुलम की तरह क्यों खड़े हैं? या तो बिल्कुल ही बैन कर दिया जाए। एक सेकंड मैं अपनी बात सुनिए, मैं आपको बताऊं रूबिका जी, मैं एक इंसिडेंट कोट करना चाह रहा हूं। गुरु के तौर पर और ज्ञानी आदमी है, सुनिए सुनिए, आप जगह जगह पर पूरे वर्ल्ड में स्पीच देने के लिए जाते हैं अपने इस्लाम की, मुझे ये बता दीजिए। मैंने एफिल टावर के ऊपर नमाज पढ़ी, कोई बॉर्डर भी नहीं हुआ बोलने के लिए नमाज क्यों पढ़ रहा है। जानबूझ के पढ़ाता था क्योंकि कहा जाता है कि फ्रांस सबसे ज्यादा एंटी इस्लामिक, मैं कह रहा हूं भोजन और भजन सबसे ज्यादा कट्टर है, भोजन भजन इबादत और प्रार्थना ये एकांत में होती है। पार्क में क्या करते हो? अगर मेरी नमाज क्या करते हो? अगर मेरी सड़क क्यों बंद करते हो? अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो ऐसी इबादत करने का क्या फायदा? बिल्कुल लोगों का रावत साहब, जब मैं ऑफिस के लिए आ रही होती हूँ, कई बार लेट हो रही होती हूँ, तो मुझे तकलीफ तो कावड़ियों से भी होती है, डिक चिक जो चलता हर फ्राइडे नहीं होता जी, वो हर फ्राइडे नहीं होता, वो साल में एक बार होता है, और ये हर फ्राइडे को होता है, हर जुम्मे की नमाज को होता है। बात दोनों तरफ होनी चाहिए ना, इधर साल में एक बार अगर कोई चीज हो और वो भी परमिशन के बाद और बिना परमिशन के महीने में 4 बार और साल में 48 बार हो, 1 बार और 48 बार में फर्क तो होगा ना कहीं ना कहीं। ये तो हर जुम्मे की नमाज को यही ड्रामा होता है। फुटपाथ पर नमाज पढ़नी शुरू की, मस्जिद बन गई और सर्कल के अंदर 3 मस्जिदें बनी हुई है कनॉट प्लेस के अंदर, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर जहाँ कुलियों ने नमाज पढ़नी शुरू की, वहाँ पर मस्जिद दोनों बनी हुई है। ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। डिबेट क्या, मेरी बात का जवाब दो रावत साहब। एक सेकेंड, हमारे यहाँ पर कण कण में देवता है, ठीक है। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो इस बात को हमें बताते हैं, और ये बात देखने में भी इस्लाम नहीं मानता कण कण में देवता, हिंदू धर्म मानता है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, इस्लाम तो बोलता है मूर्ति में भगवान। मैं हिंदुस्तानी हूँ सर। आप हिंदुस्तानी? मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं आपको नमन करता हूँ। तो मैं मानती हूँ कि कण कण में देवता, आप समझ और मैं आपके देवता की इज्जत करती हूँ। उदार बात आपको समझती है, हिंदू धर्म के रहस्य। मेरा धर्म इस्लाम है, पर मेरे रीति रिवाज जो है वो हिंदुस्तानी है जी, वो हिंदुइज्म में है जी। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप मेरी बात सुनिए, मुझे ये बता दो, आप इंटेलिजेंट, मुझे ये बता दो, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इतनी सुबह से शाम तक 24 घंटे वहां हॉर्न बजते हैं। प्लीज रावत जी, स्टॉप मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, यू आर मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट मैम। आपको पूरे देश को भ्रमित कर रहे हो। मुझे नफरत है, पूरे देश को भ्रमित कर रहे हो, मुझे तरीके से नफरत है। आप मस्जिद में जाके नमाज करिए। रावत साहब रुकिए, मेरी बात सुनिए। आपको मुसलमानों से नफरत है? बिल्कुल नहीं। आपको इस्लाम से नफरत है? बिल्कुल नहीं। आपको हम किसी के धर्म से नहीं है? ये तो हिंदू धर्म की खासियत है, सर्वे बंतु सुखने सर्वे बंतु निरामय। हम तो क्या है कि सबके कल्याण की बात करते हैं, हम किसी से घृणा नहीं करते। घृणा तब होती है जब इल्लीगल उन चीजों को कब्जा किया जाता है, सड़क रोक करके नमाज अदा की जाती है, क्या मतलब है? ठीक है, तस्लीम रहमानी साहब, तस्लीम रहमानी साहब, सर मैं पहले इस सबको ले लेती हूँ। आई प्रॉमिस, बोलना शुरू किया और रावत जी ने इंटरव्यू कर दिया। आई प्रॉमिस, गिव यू टाइम। रहमानी साहब जी, सुन रहे हैं ना सर आप? यहाँ ये हो गया रूबिका, आपने जहाँ से प्रोग्राम को शुरू जी, मैं आपने जहाँ से शुरू किया था वो बहुत अच्छा तरीका था। ये बिल्कुल एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर के तौर पर लेना चाहिए,
ना मजहबी लोगों का मामला होना चाहिए इसमें और ना सियासी लोगों का। मसला यह है कि जब आप इस किस्म के इशू पे रिएक्शन मांगते हैं सियासी लोगों से या मजहबी लोगों से, तो अपने अपने नुक्ता नजर के हिसाब से वो रिएक्शन देते हैं और फिर ये मसला सियासी भी हो जाता है और फिर वो मजहबी भी हो जाता है। फैक्ट ये है कि नमाज का जहां तक ताल्लुक है, किसी ऐसी जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती जिस पर नमाज पढ़ने की बाकायदा इजाजत ना हो, एक बात। दूसरी बात, कोई इबादत भी हो, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो मजहबी जुलूस हो, चाहे वो नमाज हो या कुछ भी हो, पब्लिक कन्वीनियंसिस को डिस्टर्ब करके उसे उसूली तौर पर होना ही नहीं चाहिए। मजहब का मतलब है लोगों के लिए आसानी फराहम करना, लेकिन अगर आप आसानी के बजाय मुश्किल पर वही बात जो पैदा कर रहे हैं, हिंदुस्तानी आज की तारीख में फील कर रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इंतजाम करना, रुबीना एक मिनट, जहां पर मजहबी उमूर अंजाम देने हो, इबादतें करनी हो, उसका इंतजाम करना हमारे देश में ये सरकार की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो अल्टरनेटिव प्लेस दे। ये फैक्ट्री ओनर्स की जिम्मेदारी है कि अपने ओनर्स अपने एम्प्लॉय को निकालने की बजाय कि नमाज के नाम पे उनको निकाल दे, मुझे मालूम है 6 महीने से निकाला जा रहा है, उसको निकाल दे, उसको एक छोटी सी जगह अगर एक घंटे के लिए दे देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मस्जिद से और नमाज से नफरत करने की चीज नहीं है मेरे को। सर वो तो खुद हिंदू धर्म गुरु यहाँ बैठे हुए, वो कह रहे हमें नफरत नहीं है, हमें कुछ तौर तरीके पसंद नहीं आ रहे हैं। सर नापसंदगी तो किसी की भी हो सकती है ना। वसीम जो कुछ हुआ पिछले दिनों उससे नफरत का बहुत इजहार हुआ है। सर वो अतिक्रमण को लेकर पूरा का पूरा मसला था, उसके बाद तो खट्टर खुद आए हैं ना, मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा है कि किसी को कोई दिक्कत हो एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए और उनसे शिकायत करे। इस पर तो किसी ने वेलकमिंग थॉट नहीं दिया, इस पर तो फलाही साहब ने नहीं बोला, इस पर तो आप लोगों ने धन्यवाद नहीं दिया। क्यों ये सेलेक्टिव अप्रोच, क्यों सर हमेशा यही क्यों कि मुसलमानों के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है? अरे सर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, पार्क में महिलाओं को दिक्कत हो रही थी तो इशू कर दिया इस पूरे के पूरे लेटर को। वसीम रिजवी साहब क्यों? रुबीना मैं खुद भी उस मस्जिद में गया हूँ, मैंने वहाँ पर उस पार्क में जहाँ एक टेम्परेरी नमाज होती थी, मैं खुद जाके वहाँ पहले बहुत पहले तकरीर भी करके आया था, वहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं की, लोगों ने नहीं सर मेरे पास लेटर है, नहीं सर मेरे पास लेटर है। ये शिकायत करने वाले लोग कौन है? ये शिकायत करने वाले लोग कौन है? देखिए कौन लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं? वसीम रिजवी, मैंने वही कहा, किसने किए, किसने लिखा, क्यों लिखा? रुबीना जी, तस्लीम रहमानी साहब की बात से, तस्लीम रहमानी साहब की बात से आज मैं जिंदगी में पहली बार सहमत हुआ हूं जो इन्हीं ने बात कही। नमाज इबादत कहीं पर भी हम बगैर इजाजत नहीं पढ़ सकते। अगर के वहां पर बगैर इजाजत नमाज पढ़ी जा रही है, फ्राइडे की नमाज हो चाहे रोजमर्रा की नमाज हो, ये कंपनी की अपनी जिम्मेदारी है कि जो उनके मुस्लिम एम्प्लॉयज हैं उनके लिए वो कंपनी के अंदर इंतजाम करें। देखिए जहां पर भी नमाज पढ़ी जाएगी रुबीना जी, यहां पर मुस्लिम स्कॉलर्स भी बैठे हैं, इन सबको भी मालूम है कि नमाज बगैर परमिशन अपने आप उस घर में भी नहीं पढ़ सकते जहां पार्टनरशिप में। अरे तो फिर इस्लाम धर्म को खतरा कैसे हो गया इससे मुझे बताइए ना वसीम रिजवी साहब, ये फीलिंग क्यों आ रही है मुसलमानों में कि ये तो होना ही था, ये लोग तो बैठे ही हैं हम लोगों को चोट पहुंचाने के लिए, ये फीलिंग क्यों आ रही है मुसलमानों में? देखिए ये मुसलमानों को समझाने का काम उनके जो धार्मिक धर्मगुरु हैं उनको करना चाहिए कि आपको इस जगह पर, हम तो कहते हैं कि अगर इजाजत नहीं मिली है, अगर आप वहां पर नमाज पढ़ने दोबारा जबरदस्ती जा रहे हो तो आप गुनाह कर रहे हो, इबादत नहीं कर रहे हो। इस्लाम का सबसे पहला उसूल यह है कि मेरी जबान से, मेरी हाथ से, मेरी हर चीज से, मेरा सामने वाला, मेरा पड़ोसी, उसे किसी भी तरीके से तकलीफ। और नमाज की क्यों बात कर रही हैं आप? इस्लाम की कोई भी इबादत हो, चाहे रोजा हो, चाहे और कोई भी इबादत हो, अगर उससे दूसरे को तकलीफ पहुंच रही है तो वो इबादत अपनी रूह खो रही है, वो इबादत नहीं मानी जाएगी। अगर किसी की जाति जायदाद पर या किसी नहीं फलाईदा मेरी बात अगर किसी की चौराहे पे नमाज पढ़ने का इसीलिए मना किया है, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, पार्क में नमाज पढ़ना चाह रहे हैं,
कि मैं इस्लाम को आपको इजाजत जरूरी है एक बात और हुकूमत अगर मना किया इस्लाम ने तो आप अपने दावे पर क्या कर रहे हो आप नमाज जायज नहीं है चौराहा थोड़ी है वो चौराहे पर मतलब चौराहे पे नमाज पढ़ने के पीछे लॉजिक क्या है वो नहीं समझी आप हां बताइए क्या इसलिए कि चौराहे से लोग गुजरते हैं उनका आना जाना रहता है लोगों का अगर आप वहां नमाज पढ़ेंगे तो रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ना और मस्जिद बनाना ये जायज है क्या बिल्कुल अरे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वहाँ पर मस्जिद बनी हुई है और लोग धर्म और वहाँ लाखों लोग वहाँ से अगर आपके अंदर जाते और क्या वो जायज है क्या वो जायज है क्या जायज है वो क्या जायज है वो आपने फुटपाथ के ऊपर मस्जिद बनाई है मैंने संयम के साथ आपको अच्छा दो मिनट रजवी साहब रुकिए रजवी साहब मैंने एक चीज नोटिस की है मैंने एक चीज नोटिस की है इस देश में लोग इस मसले पर डिस्कशन करना चाहते हैं लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हैं ये मैंने बहुत ज्यादा चीजों को नोटिस किया है हिंदू और मुसलमान मोहब्बत करता है लेकिन कुछ इश्यूज को लेकर वो डिस्कशन चाहते हैं डिबेट करना चाहते हैं रुबीना मैं तो ये डिबेट ही नहीं चाहता मैं तो इसमें मैंने किसी और चैनल से कहा भी नहीं मैं डिबेट में समाधान निकालना पड़ेगा सर डिबेट से भागने से मतलब नहीं सायरा शाहलीन ये देखिए सुप्रीम कोर्ट जब दिवाली पर बैन करता है तब तो खतरा नहीं होता है मुसलमानों पर अटैक हो जाता है जब एक पार्क में नमाज पढ़ने से रोका जाता है आप कह रही हैं ना खतरे में किसने कहा इस्लाम खतरे में अरे आप अभी नहीं बोल रहे हैं सर मैं तो फ्रांस में गया हूँ मैंने नमाज पढ़ी है किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई ये पार्क में क्यों लोगों को आप कह रही हैं ना इस्लाम खतरे में मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे किसने कहा इस्लाम खतरे में इसने कहा गलत किया जबरदस्ती अगर नमाज पढ़ी हो ये सोच कर पढ़ी है किसने कहा इस्लाम खतरे में टावर पर इतनी ऊपर नमाज अदा करना वो भी गलत है वो अगर मेरी नमाज से किसी को भी परेशानी होगी तो गलत है बिल्कुल गलत अगर गलत है मेरी नमाज से मेरे रोजे पे सायरा शाहली वसीम रिज़वी रुकिए सायरा शाहली देखिए अच्छा ये चिल्लाना बंद करेंगे तो मैं जवाब दूंगी बात ये है कि इबादत में तो कोई दंगे फसाद होंगे नहीं इतने सालों से लोग इबादत करते आ रहे हैं पार्क में भी कर रहे हैं ईदगाह में भी कर रहे हैं तो अभी ऐसी क्या नौबत हो गई बात यह है रुबीका जी कि अभी जिस तरह का दहशत का माहौल यूपी चीफ मिनिस्टर और जो गवर्नमेंट ने बना रखा है कि अगर एक जायज सी भी बात हो वो भी नाजायज लगती है कोई तो अभी सवाल ये है कि हमें पता नहीं दहशतगर्दी फैलाई हुई है आपने उत्तर प्रदेश में और कहां है बताओ ना दहशतगर्दी कहां है तो आप लोग तो लड़वाएंगे वहां जाकर के देखो वेस्ट बंगाल में दहशतगर्दी आप लोगों का तो केरल में जाके देखो दहशतगर्दी अभी अरे बुलंदशहर में क्या हाल किया है आपने तो पुलिस अरे पुलिस ऑफिसर का क्या हाल करा जम्मू कश्मीर में क्या किया पांच लाख आदमी उजाड़ दिए मस्जिदों से आवाज लगा लगा करके जम्मू कश्मीर याद नहीं आता आपको तो अच्छा जम्मू कश्मीर में सेना पे पत्थर मारे जाते हैं उन पे बम विस्फोट मारे जाते हैं वो नहीं दिखाई देता एक इंस्पेक्टर दिखाई दे रहा है आपको अगर वो प्रॉपर्टी अच्छा बात करने दीजिए बात क्यों कहने दूंगा गलत बात बोलोगी तो काटूंगा ना मैं डिबेट में बैठा हुआ हूं आपकी सुनने के लिए थोड़ी बैठा हुआ हूं आप गलत ही गलत कोट कर रहे हो रावत जी मुझे तो ये अफसोस हो रहा है मैं बिल्कुल सही बोल आप हर जगह कोट कर आप बेसिर की आप इस वक्त बेसिर की बात करोगे तो कौन जवाब देगा आपकी बात का अगर सही बोलो तो बेसिर पैर है जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सेना पर पत्थर फूटे आपने सही क्या बोला आपने सही क्या बोला क्या दहशत है उत्तर प्रदेश में लेकर कानून के रखवाले को मार डालेंगे और कहेंगे एक पुलिस वाला ये क्या बात हुई रावत जी एक पुलिस वाले का क्या मतलब है जम्मू कश्मीर में कितने बिल्कुल कितने, बिल्कुल कितने गलत हो रहा है और वहाँ पर 5 लाख हिंदू जो ब्राह्मण थे कश्मीरी उनका क्या हुआ उस पर किसी की जवान नहीं खुलती जो गलत वहाँ पर नसरुद्दीन शाह को भी डर नहीं लगता करके एक को छोटा पूरे जम्मू कश्मीर को हिंदू बहन कर दिया वहाँ सरेआम गाय काटी जाती है तब किसी को डर नहीं लगता पूरी लिस्ट बताना शुरू करूँ क्या आपको क्या इस मुल्क में कत्ल होने वालों की पूरी लिस्ट बताना शुरू करूं आप बता दो मुझे 10 आदमी सीधा सवाल में ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम आज सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या खुले में इबादत से माहौल बिगड़ जाएगा और अगर इबादत ही है तो उसे खुले में करने की जरूरत क्या है अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है ये देखिए ये वो लेटर है पंकज राय जो कि प्रभारी निरीक्षक है SHO है थाना सेक्टर 58 के नोएडा के क्या लिखे
आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप अपने स्तर से अपने समस्त मुस्लिम कर्मचारियों को अवगत कराएं कि वो नमाज पढ़ने के लिए पार्क में ना जाएं। यदि आपकी कंपनी के कर्मचारी पार्क में आते हैं तो ये समझा जाएगा कि आपने उनको अवगत नहीं कराया है और ये व्यक्तिगत कंपनी की जिम्मेदारी होगी। उससे पहले ये लिखा है, उससे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन हम लोग भूल जा रहे हैं ना, जिस पर जिक्र करना, जिस पर चर्चा करना, वो देखिए वो क्या है। अवगत कराना है कि सेक्टर 58 स्थित अथॉरिटी के पार्क में प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि, किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि, अब इसमें आप माता का जगराता भी ले लीजिए, इसमें आप माता की चौकी भी ले लीजिए, इसमें आप नमाज भी ले लीजिए, इसमें ईस्टर सेलिब्रेशन, क्रिसमस सेलिब्रेशन भी ले लीजिए, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होगी? मुसलमान सायरा शाह अली। उनको लगेगा हमारे खिलाफ ये पूरा का पूरा देश जा रहा है, सायरा शाह अली। अरे भाई, किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि है ना। देखिए, मैंने आप तो मेरी बात खत्म ही नहीं करने दी रूबिका जी, तो आपने ऑलरेडी मुसलमान सायरा शाह अली, अगर आप मुसलमान सायरा शाह अली टैग दे रही हैं तो आपको मेरी फैमिली के बारे में और जो मेरे खानदान ने जो मेरा किया सवाल है था सायरा, उनका कुछ आपको दिक्कत किसे हो रही है? मुसलमान की हो रही है, आइडेंटिटी पे रिड्यूस करें। जवाब दीजिए, मैंने सवाल मुसलमानों को लेकर दिया, आपने मुझे गलतफहमी हो रही है सायरा शाह, मुझे इनवाइट किया है, आपको गलतफहमी हो रही है, इनवाइट किया है, तो इनवाइट करने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ बैठकर मुझे खबरदार करेंगे, मुझे इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे खबरदार करेंगी सायरा शाह अली। मैंने आपको मुसलमान नहीं कहा है, मैंने आपको मुसलमानों को दिक्कत हो रही है सवाल पूछा, सुन तो लीजिए ना, प्रेजुडिस क्यों है आप इतनी? आपने बोला है आप जो है आप ये टाइटल मत दीजिए किसी इंसान को, रिड्यूस मत करिए, इफ यू वांट मी टू स्पीक टू यू इन इंग्लिश एंड इफ यू कैन ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश देन राइट देन फाइन आई विल स्पीक टू यू इन इंग्लिश या प्लीज आई विल यूज इंग्लिश एज माय लैंग्वेज, डू नॉट रिड्यूस मी टू माय आइडेंटिटी, आई डिड नॉट रिड्यूस टू टू मी द रिलीजन रूबिका, यू कैन गेट अवे विद दिस, आई डिड नॉट कॉल यू अ मुस्लिम सायरा शाह अली, इनवाइटेड मी, आई डिड नॉट कॉल यू अ मुस्लिम सायरा शाह अली, आपको गलत कह रही हूँ, आपके पास लॉजिक नहीं है तो बात अलग है, यू वांट मी टू प्ले इट ऑन रिकॉर्ड, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग गजब कर रही हैं आप, सो डोंट इनवाइट मी, आई डोंट वांट टू कम टू योर चीप शो, डू नॉट इनवाइट मी, लिसन टू मी सायरा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, नो लिसन टू मी, आई हैव इनवाइटेड यू, नाउ लिसन टू मी, आपको मेरे सवाल में nobody has ever reduced me, I will repeat, my question Saira, आप एक सेकंड, you have no idea, आप मुसलमान नहीं है क्या? do not call me, आप ये बताइए मुसलमान नहीं है क्या सारा? आपको प्रॉब्लम क्या होगी सारा? आप मुसलमान नहीं है क्या सारा? आप मुसलमान नहीं है क्या सारा? आप मुसलमान नहीं है? है, लेकिन ये जिस तरह से बोल रही है, जिस तरह से बोल रही है, सबसे पहले इस्तेमाल करें, अगर आप इंट्रोडक्शन देखें तो, अच्छा एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा जो आप बोल रही हैं, मुसलमान कह दिया गया तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आई एग्री विद सारा, क्या एग्री आप? मैंने आपसे कहा था बताइए दस नाम, आप मैंने आपको कहा था तस्लीम साहब, मैंने आपको कहा था दस नाम बताओ आप, इन मुसलमान सारा जी, इन मुसलमान तस्लीम, कौन कह रहा है मुसलमान तस्लीम रहमानी जी, कौन कह रहा है मुसलमान सायरा शाह अली? क्या तरीका है सर ये, आप सवाल ठीक से समझ नहीं रहे हैं, जबरदस्ती के यहाँ पर विक्टिम प्ले करने से नहीं चलेगा ना, यही हुआ एग्जैक्टली यही हो रहा है, मैं ये कह रही हूँ दिक्कत किसको हो रही है? मुसलमानों का चीज ऑब्जर्वे, दिक्कत किसको हो रही है? मुसलमान, मैंने भी सुना है, दिक्कत किसको हो रही है? मुसलमान, सायरा शाह अली, बताइए आपका क्या कहना है मुसलमानों के लिए, और उसमें आप विक्टिम प्ले करने लगते हैं, खबरदार जो मुझे ये बुलाया वो बुलाया, सर जबरदस्ती के ड्रामे अच्छे नहीं लगते ना टीवी पर, वसीम रिजवी साहब हर चीज में ये सोचना कि हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है, गलत बात है। देखिए रुमीना, मैं साफ बात कह रहा हूं, आपने जो बात कही है मैंने उसको पूरा सुना है, वो ज्यादा रिएक्ट इनको नहीं करना चाहिए, उनके लिए बात नहीं थी, सायरा शाह हलीम का मतलब है कि वो मुसलमान है, और आपने जो बात कही है वो मुसलमानों का जो इस वक्त जिस चीज पर हम चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर आपने बात की है कि मुसलमान ऐसा क्यों सोच रहे हैं या ऐसा क्यों कर रहे हैं,
तो देखिए इस पर इस तरह से रिएक्ट नहीं होना चाहिए, डिबेट हो रही है, डिबेट को जो सवाल है वसीम रिजवी साहब कहां पर नमाज हो सकती है कहां नहीं हो सकती है, यही चीज तो इस वक्त देश में हो रही है। आदमी कहना क्या चाह रहा है, आप पहले से सोच के बैठे हैं, आप पहले से आपके जहन में सबसे बड़ी आपके आपकी परसेप्शन बना दिया है कि एक जरा सवाल मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा सरकार की जो हुकूमत है जो उसमें योगी जी चीफ मिनिस्टर है, मुसलमानों के जहनों में एक बात ये भर दी गई है कि ये हुकूमत तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए जहाँ नाम मुसलमान आता है वहाँ योगी जी के खिलाफ बात आ जाती है, हुकूमत के खिलाफ बात आ जाती है। आपको शर्म से अपना सर झुका देना चाहिए वसीम रिजवी साहब, अगर वो आपको शर्म से अपना सर झुका देना चाहिए वसीम रिजवी साहब, और मैं बताती हूँ क्यों ऐसा करना चाहिए। आप लोग वो कॉन्फिडेंस मुसलमानों में क्यों नहीं डाल पाए हैं, क्यों खौफ लगता है मुसलमानों को आपसे? हम तो बोलते ही रहते हैं मुसलमानों को सोचना चाहिए, हम से सर झुका रखा है जो ये मुसलमानों के ठेकेदार है, इनको अपना सर झुकाना चाहिए क्योंकि ये मुसलमानों को भड़काते हैं, ये मुसलमानों को भड़काते हैं, मुसलमानों को फीलिंग दिखाते हैं कि तुम मुसलमान हो, कहा है मुसलमान का क्या मतलब, तुम हिंदुस्तानी हो, मुसलमान ले लीजिए वसीम रिजवी साहब। तस्लीम रहमानी साहब वेट, यही यू नो व्हाट दिस इज, अरे सर यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है सर, पूरे देश में अभी यही हो रहा है। आपने ये कहा था रहमानी साहब, मैं हजारों मुसलमान ऐसे बताऊंगा कि जिनके साथ बहुत बुरा हुआ है, मैंने कहा 10 नाम बता दो आप, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मुसलमानों को हम लोग अपने सिर पर आंखों पर रखते हैं, सारे नेताओं को सिर पर आंखों पर रखते हैं। आप एक इंस्पेक्टर की बात को लेकर के आप जम्मू कश्मीर की बात नहीं करते, वहां पर सेना के ऊपर पत्थर मारे जाते हैं उसकी बात आप नहीं करते हैं, आप सरेआम बंगला के अंदर क्या हो रहा है, दुर्गा पूजा नहीं करने देते मुसलमान, आप नहीं करते हैं केरल में, आप अगर वहाँ पर गुजरात के और नवरात्रों के अंदर अगर आप वहाँ पर अपना भजन चला देते हो तो वहाँ पर आप रुकवा देते हो मुजफ्फरनगर के अंदर जो घटना घटी, तो क्या ये मैंने आपसे कहा 10 आपसे कहा 10 मैं गिनाता हूँ, मैं गिनाता हूँ, आइए मेरे पास आइए, मैं गिनाता हूँ, नहीं नहीं गूगल के बैठ गए ना, गूगल खोल के बैठ गए ना, आई डोंट यूज गूगल, तो मुझे 10 आदमी का नाम बता दो, इस देश में राष्ट्र की आवाज कहा जाए कि सरकार का भी सरकार को ब्लेम दिया जाए, इस तासुब वाले चश्मे से लोगों की जय रहमानी साहब का साथ भी ऐसे बता दो कि जिनके साथ अत्याचार नहीं है हुआ मुसलमान, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, नोएडा में कितने लोगों की नौकरी गई है सिर्फ इसलिए कि उनको जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, आपके पास है कोई स्टैंड? आप नौकरी करते हो 8 घंटे की, नमाज पढ़ने उसमें क्या लिखा होता है, लिखा क्या होता है जब आप साइन करते हो अपॉइंटमेंट लेटर में, क्या ये लिखा जाता है कि आपको नमाज की छुट्टी मिलेगी? ये इस मुल्क की कमी नहीं है, ये हुस्न इस मुल्क, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, 8 घंटे काम करने की जी हम गलती बैठ गए हैं, इससे नफरत का माहौल बनेगा, सच में नफरत का माहौल बनेगा, जुमे की नमाज रावत जी यहां पर इस तरह का आपकी आवाज बंद नहीं करना चाहिए, सबकी आवाज बंद, आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए, सबकी आवाज बंद, सबकी आवाज बंद, रावत जी रुकिए, भलाई सब आवाज चल रहा है, आप दोनों जुमे की नमाज में क्या बोल रहे हैं, नमाज पढ़ेगी क्या, फोन में है सेना नमाज पढ़ेगी क्या, युद्ध करना है, किसी की आवाज नहीं जा रही है, किसी की आवाज नहीं जा रही, रुक जाइए फलाई साहब, फलाई साहब रहमानी साहब को बोलो गलत बोल रहे हो, एचएस साहब रहमानी साहब को बोलिए गलत बोल रहे हो, फलाई साहब उन्होंने कैसे गलत बोला, एक सेकंड रावत साहब, इसीलिए कि नफरत का माहौल ना बने, रावत साहब आई कैन फोल्ड माय हैंड्स, और आपसे बोलो मैं करूं, गवर्नमेंट की तरफ यहां पे 9000 पत्थरबाजी को छोड़ दिया, ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की तरफ पता है, आप यहां से भाईचारे का पैगाम और संदेश दें, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं, आप बोलिए यहां पर जो फुटपाथ के ऊपर मस्जिदें हटाइए उनको, फुटपाथ वालों को रास्ता दिक्कत आ रही है, आप बोलिए बोलिए मंदिर पे हटे, प्लेटफॉर्म आप बोलिए जिस रावत के मंदिर में हटे, हटा दिए हम तो तैयार है, हम तो हटा देते हैं, आप बोलिए ये बात तो मैं वेलकम करूंगी, हटाए गए आप ये बात बोलिए मैं वेलकम करूंगी, चलिए मेरे साथ में दिखाता हूँ कितने मंदिर हटा दिए, आप मस्जिद हटा के दिखाओ एक भी, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, मस्जिद हट गई, मैं आपको बड़ा उदाहरण ऐसे देता हूँ, आपको क्या लग रहा है, प्लेस के आउटर सर्किल में फुटपाथ के ऊपर 3 मस्जिदें बनी हुई है और हनुमान मंदिर के सामने फुटपाथ पर मस्जिद बनी हुई है, पटवगंज चौराहे मस्जिद बनी हुई है, ये फुटपाथ पर माहौल पैदा कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, मैं इसलिए हम
आप एक धार्मिक गुरु हैं, आपका मोरल और आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी बातों से, अपने शब्दों से हमेशा संदेश दें। तो अगर मुझे दिक्कत हो रही है, प्लेटफॉर्म नंबर टू का होना चाहिए, आप लोगों को तोड़ने की बात कर रहे हो, समाज को तोड़ने की बात कर रहे हो, समाज का ताने बाने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बात का जवाब दीजिए। हमारा सोशल फैब्रिक है, प्लेटफॉर्म नंबर टू लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस के ऊपर लॉन्ग हिस्ट्री हुआ है, और आप कहते हैं हम इबादत मान करते हैं कि जहां पर तकलीफ ना हो किसी को। सर आप मोहब्बत का संदेश दे, आप मुझे बताइए, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप दुनिया के किसी भी मान नवाज अदा करते हैं, नहीं पता कि आपने कितना धर्म का हो, बसी ब्रिज के साहब ने कहा, आपने भी ये बात कहा, रहमानी साहब ने भी ये बात कही, धर्म का मुताला कर लीजिए, लेकिन वहां प्लेटफॉर्म नंबर टू क्यों कब्जा कर रखा है? कोई भी धर्म एक दूसरे से नफरत करने की नहीं, भलाई साहब मेरी बात का जवाब दे रहे हैं, मेरी बात का जवाब दीजिए, वर्ल्ड इज वन, मेरी बात का जवाब दीजिए, होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, आप मुझे हैव टू ट्रीट एवरीवन, मेरी बात का जवाब दीजिए, सेम बिहेवियर। आपने अपने स्टार्टिंग में कहा था कि हम नवाज आदा वहां करते हैं जहां तकलीफ ना हो किसी को, अगर किसी को तकलीफ हो रही है प्लेटफॉर्म नंबर टू पर तो उसको क्यों नहीं रुकना? नहीं कहता हूं, नहीं होनी चाहिए नमाज, हटवाइए उसको, अगर कहीं हटवाइए वहां से, फुटपाथों से, प्लेटफॉर्म पर। अब रुकिए सर, रुक जाइए, आप दोनों सुन रही हूँ मैं कब से, रावत साहब यहाँ पर क्या प्लेटफॉर्म टू के लिए आप अनशन के लिए आए हैं स्टूडियो में? फिर यहाँ ये बोला क्या जा रहा है, हम नवाज मुआदा करते हैं, तकलीफ ना हो, अरे तो आप किसी को तकलीफ ना हो, नवाज मुआदा करते हैं, और मैंने कहा तकलीफ हो गई प्लेटफॉर्म पर, हटाइए उनसे, बीपी हाई हो जाएगा, बीपी हाई, मेरा बीपी हाई नहीं होता बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं होता, 24 घंटे का 24 घंटे कर लूंगा इसी फील्ड पर। धार्मिक लोगों को सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, याद रखें, जब धार्मिक लोग अगर मिसगाइड करेंगे दूसरे लोगों को, फिर हमें बोलना पड़ेगा, आप मिसगाइड कर रहे हो सर, अब हो गया सर, मुझे अब प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, रावत साहब आपको प्लेटफॉर्म नंबर टू पर मस्जिद से दिक्कत है तो यहाँ बैठकर ज्ञान की वर्षा मत कीजिए ना, आप जाइए ना, FIR दर्ज करवाइए ना, आपको रोका है किसी ने? रूबिका जी, फलाई साहब ने ये कहा कि मैं फलाई साहब की बात करते हैं जहाँ किसी को तकलीफ ना हो, अरे यहाँ बैठकर ज्ञान मत कीजिए ना, आप यहाँ बैठकर ज्ञान मत कीजिए ना, चार मस्जिद बनी हुई है, जाइए ना, यहाँ चार मस्जिद बनी हुई है, आप बैठकर डिबेट क्या कर रहे हैं मेरे साथ, लोगों को सड़क पर आना पड़ता है, आप जाइए आप पुलिस के पास गए ना, ये लोग, ये इनको दिक्कत थी सेक्टर 58 के पार्क में नमाज पढ़ने से दिक्कत थी जी, गए ना पुलिस के पास, अब जाना पड़ेगा ना, तो जाइए ना, फिर आप बोलेंगे देखो इस्लाम के खिलाफ आपने एक्शन ले लिया, मैंने कहा आपको, हम चाहते हैं यही खुद ही हटाने, आपको लगता है इस्लाम इतना सा है, मैं कह रहा हूँ आपको लगता है इतना कमजोर है कि एक आध जगह पर नमाज नहीं पढ़ने से इस्लाम को झटका लग जाएगा, स्टेशन के ऊपर विदेशी लोग आएंगे क्या सोचेंगे, विदेशी लोग आके क्या हिंदुस्तान में सीखेंगे, क्या सीखेंगे, मस्जिद तस्लीम रहमानी, पूरी डिबेट को हाईजैक कर लिया रावत। मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक भारतीय मुसलमान की हैसियत से बात शुरू की थी, लेकिन रावत जी ने जो अंदाज अख्तियार किया है उससे साफ जाहिर है कि ये पता नहीं कौन सा इनका हिंदुइज्म भी, ये वाला हिंदुइज्म तो हम जानते नहीं, हिंदुइज्म तो बहुत शांति और प्रेम का मजहब है, ये तो जिस मजहब आपकी बात आराम से सुन के चला जाऊं तो हिंदू बहुत अच्छा है, आपको सही जवाब दे दूं तो हिंदू बड़ा देख के नफरत उदारवादी नहीं है, हार्ड हिंदू हो गया, मेरी बात का जवाब आपने दिया नहीं, मैंने कहा 10 साल बता रहा हूं मुसलमान के साथ अत्याचार किया है, नफरत पैदा हो जाती है, मैं बहुत सीधे कह रहा हूं आपको, मैंने पूरा मौका दिया, कायदे से आपने बात रखी, अब मेरे बाकी सारे वहां पर फैक्ट्री ओनर्स को नमाज का इंतजाम करना चाहिए, और अगर फैक्ट्रीज में जगह नहीं है तो नोएडा की पुलिस को, नोएडा की अथॉरिटी को यह इंतजाम करना चाहिए कि वहां पर किसी पार्क को जो इस्तेमाल में ना हो एक घंटे के लिए नमाज की वहां परमिशन दे, बस इतना सा किस्सा है, इससे ज्यादा नहीं है, और हमने कहा कि इस मुल्क का हुस्न है ये कि हम कहीं भी खड़े होते हैं नमाज पढ़ने की हमको इजाजत होती है और पुलिस पीछे खड़े होकर नमाजियों की हिफाजत करती है, सारी दुनिया में डंका है इस बात का, इस बात की वजह से हिंदुस्तान की तारीफ की जाती है, हमारे मुल्क की तारीफ की जाती है, और आप इस तारीफ को खत्म करना चाहते हैं अपने छोटे से माइंड सेट बिल्कुल नहीं, मैं आपको 10 साल दे रहा हूं दिल्ली के अंदर, आ गई जहां फुटपाथों पर मस्जिद बनी हुई है और लोगों को जाने में दिक्कत होती है, आप दिल्ली के पास जाइए ना, कौन लोग चलेगा नहीं, लालू की इस मुल्क का डीएनए मोहब्बत है, आप नहीं चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ इस मुल्क का डीएनए मोहब्बत है, आपकी बात नहीं चलेगी, आप चाहे जितने बार इस सदार में आ जाए, आप चाहे जितने उत्तर
प्रदेश में सरकारें बना ले, आपकी बात नहीं चलेगी। इस मुल्क का हिंदू नहीं मानेगा आपकी बात, इस मुल्क का सिख ईसाई नहीं मानेगा आपकी बात। मैं यकीन के साथ आपको कह रहा हूँ, आपको मुंह की खानी पड़ेगी, आपको शिकस्त उठानी पड़ेगी। खानी पड़ेगी मुझे तो बता दो, अभी तो मुंह की आप खा के बैठे हो। मैंने आपसे 10 नाम पूछे थे, 10 मुसलमानों के नाम बता दो जिनको कौन नहीं खाया है। बिल्कुल नहीं खाए हम, अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तान के मुसलमान, हम मुंह की खा के बैठने वाले नहीं है। इंसाफ के साथ कौन मुंह की खिला रहा है, हम तो आपकी इज्जत करते हैं। आपको जब आपको यही तस्लीम रहमानी साहब, आपको पता है अभी अभी आपने कहा कि ये मुसलमान क्यों कह रही है रूबिका लियाकत हमको, अब आप कह रहे हैं हम हिंदुस्तान के। अरे सर आपके हिसाब से चले तो बहुत बढ़िया, मैं कुछ कह दूं तो ये देखो कैसे कर सकती है रूबिका लियाकत ऐसे, ऐसा क्यों तस्लीम रहमानी साहब? रूबिका रूबिका सुनिए, आप अगर किसी को कहेंगी कि हिंदू रावत मुसलमान तस्लीम, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, ऐसा नहीं कहा, किसने कहा, आपने सुना गलत, तो ये बात बुरी, आपकी इंटरप्रिटेशन गलत। हम बगल में बैठे होंगे, रूबिका आपको भी बुरी लगेगी, हम बगल में बैठे हिंदू मुसलमान, मुझे तो फक्र होगा कोई मुझे कहे कि मुसलमान रूबिका लियाकत। अच्छा नहीं कहा बात है ना सर, इसमें किसी को दुख क्यों होना चाहिए, इशू बना रहे हैं, इशू बना रहे हैं जबरदस्ती का सर, मुझे वाइंड अप करना है। अगर आपने नहीं कहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं कहा तो बहुत अच्छी बात है। रूबिका जी बढ़िया बढ़िया, और आप लोग कहां से कहां तक लेकर गए हैं। सायरा शाह हलीम को यह समझना चाहिए कि दिक्कत किसको हो रही है, मुसलमान। सायरा शाह हलीम अपनी बात रखिए, लेकिन नहीं उनको तो सुनना नहीं है, मुसलमान सायरा शाह हलीम अपनी बात रखिए। अब मैं क्या करूं जब आपने अपने जहन में ही उस चीज को, शक को बैठा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जब बिल्कुल मेरे पास। अच्छा सर 10 सेकंड आप मेरी नौकरी लेंगे? नहीं मैं आपकी नौकरी थोड़ी क्यों लूंगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बार बार जो कहा जा रहा है, इस्लाम का उसूल है कि आपकी नमाज से अगर किसी को तकलीफ हो रही है आप वहां नमाज नहीं पढ़ते। ABP News, आपको रखे आगे।